सो वेलकम टू माई चैनल नर्सिंग एंड लर्निंग। दिस इज़ अ पार्ट टू ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। पार्ट वन में हमने देखा था कि प्लानिंग प्रोसेस में टोटल 9 स्टेप्स थी एंड उसमें से 5 स्टेप्स हमने पढ़ ली थी। ओके, हमारी बाकी थी 6, 7, 8 एंड 9, जो लास्ट की 4 थी वो हमारी बाकी थी। तो इस पार्ट में हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो जो 6 स्टेप है वो कौन सी है? सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्टेप 5 में हमने क्या किया था? हमने जो अल्टरनेटिव्स थे या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन थी उनको क्या किया था? इवेल्युएट किया था, उनके स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट्स को जाना था। अब ये सब करने के बाद, इवेल्युएशन होने के बाद हम क्या करेंगे? उन सारे अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस में से एक एक्शन को, एक कोर्स ऑफ एक्शन को या अल्टरनेटिव को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। इन दिस स्टेप मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इज सिलेक्टेड एज अ प्लान अमंग द अल्टरनेटिव्स। जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें रिस्क कम है, कॉस्ट कम लगती है और जिसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज भी है, उस हिसाब से हमारे लिए जो अल्टरनेटिव मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसको हम क्या करेंगे? इस स्टेप में सिलेक्ट करेंगे और हमारे प्लान में उसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर द प्लान इज अडॉप्टेड फॉर अकम्प्लिशिंग आइडेंटिफाइड गोल और ऑब्जेक्टिव्स। ये ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ, इस कोर्स ऑफ एक्शन को हम क्या करेंगे? प्लान एज अ प्लान हम उसको अडॉप्ट करेंगे। ओके, फॉर अकम्प्लिशिंग अवर डिसाइडेड और इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए क्या है? फॉर्मुलेटिंग द डेरिवेटिव और सब प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान्स और सब प्लान्स, तो डेरिवेटिव प्लान्स को ही हम सब प्लान्स भी कहते हैं। तो डेरिवेटिव प्लान्स मतलब क्या बेसिकली? तो जो हमारा मेन प्लान होता है, ओके, उस मेन प्लान को हम ब्रेक करते हैं सब प्लान्स में, उसके हम सब प्लान्स बनाते हैं। तो जो हमारी 7 स्टेप है वो है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, और वो जिनको हम सब प्लान्स भी कहते हैं। तो डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव प्लान्स मतलब देखो, हमारा जो बेसिक प्लान है जिसको हम मेन प्लान भी कहते हैं, ओके, उस मेन प्लान को हम डिवाइड करते हैं या ब्रोकन डाउन करते हैं मेनी डेरिवेटिव प्लान्स में। तो जब हम जो डेरिवेटिव प्लान्स है उनको अकम्प्लिश करेंगे या कंप्लीट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन प्लान होगा वो भी क्या हो जाएगा? अकम्प्लिश हो जाएगा। ओके, टू अचीव और कंप्लीट बेसिक और मेन प्लान, डेरिवेटिव प्लान और सब प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड विद सपोर्टिंग बेसिक प्लान। प्लान डू नॉट अकम्प्लीट देम सेल्व, दे रिक्वायर टू बी ब्रोकन डाउन इन टू द सपोर्टिंग सब प्लान्स। मतलब सब प्लान्स क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं मेन प्लान को। ईच मैनेजर एंड डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू कंट्रीब्यूट टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मास्टर प्लान ऑन द बेसिस ऑफ द डेरिवेटिव प्लान्स। जब डेरिवेटिव प्लान्स को हम कंप्लीट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? मास्टर प्लान अकम्प्लिश हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग द सिक्वेंस ऑफ एक्शन। अभी हमने क्या किया? डेरिवेटिव प्लान्स को बनाया, उसके बाद क्या है? सिक्वेंस ऑफ एक्शन। सिक्वेंस ऑफ एक्शन आर डिटरमाइंड आफ्टर द फॉर्मेलिटी इन द डेरिवेटिव प्लान्स, सो दैट प्लान्स मे बी पुट इन टू एक्शन। अभी देखिए, जो सपोज एक सिलेबस है, सिलेबस को हमने डिवाइड किया सब्जेक्ट्स में, एक सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया यूनिट्स में एंड एक यूनिट को हमने डिवाइड किया उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में या क्वेश्चन में। उसी तरह से बेसिक प्लान को हमने डिवाइड किया सब प्लान्स में। अब सब प्लान्स को हमने डिवाइड किया बहुत सारे एक्टिविटीज में और एक्शंस में। अब उस एक्शंस के सीक्वेंस को हमें डिसाइड करना है। क्या करना है? उस एक्शंस के सीक्वेंस को हमें डिसाइड करना है ताकि हम क्या कर सके? उनको एग्जीक्यूट कर सके। ओके, कैरी आउट कर सके। टाइमिंग इज एन एसेंशियल कंसिडरेशन इन प्लानिंग। टाइमिंग गिव्स प्रैक्टिकल शेप एंड कॉन्क्रीट फॉर्म टू द प्लानिंग। अंडर सीक्वेंस इट शुड बी डिसाइडेड। ओके, सो एज व्हाट फर्स्ट हैव टू डू, हु विल डू इट एंड विद इन व्हाट टाइम व्हाट टू बी डन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं तो जो फर्स्ट एक्शन है इसमें हम क्या करते हैं? सीक्वेंस ऑफ एक्शन को तो डिटरमाइन करते हैं, साथ में टाइमिंग भी डिटरमाइन करते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ एक्शन है, जो फर्स्ट एक्शन है, ओके, वो कौन करेगा, उसे करने में कितना टाइम देना पड़ेगा, मतलब कितने टाइम में वो एक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी। पहले तो बहुत सारे एक्शन है, उस एक्शन में से पहली एक्शन कौन सी परफॉर्म करनी है, मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्शन, फिर जो पहली एक्शन है वो कौन करेगा परफॉर्म और कितने टाइम में वो कंप्लीट होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम इसी स्टेप में डिसाइड करते हैं। दैट इज एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। देन जो लास्ट और 9 स्टेप है वो क्या है? फॉलोअप एंड रिवाइज।
After the plan has been put into action, it is essential to follow it so as to remove difficulty in its implementation. इसका मीन क्या है कि जब हमने प्लान अभी 8 स्टेप तक हमने क्या किया, प्लान बनाया, और अभी हम 9 स्टेप से पहले क्या कर रहे हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अब तो उसे हमने प्लान बनाया था, अब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया. इम्प्लीमेंट करने के बाद आती है 9th स्टेप. इसमें हम क्या करेंगे, प्लान को फॉलोअप करेंगे, देखेंगे कि उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है क्या. उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो हमें क्या करनी पड़ती है, वो रिमूव करनी पड़ती है. और अगर इफ नीडेड द प्लान्स में भी मॉडिफाइड और रिवाइज टू अचीव द इंटेंडेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. अगर वो ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाए थे प्लानिंग के वक्त, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहे उस प्लानिंग के थ्रू जो हमने की है अभी तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे उसमें, या वो प्लानिंग रिवाइज करनी पड़ेगी. इफ कंडीशन हैव चेंजेड प्रीवियस प्लान शुड बी रिप्लेस बाय अनदर प्लान. अगर कंडीशन चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने कहा था कि हमने प्रेडिक्ट भी किया थे फ्यूचर एनवायरनमेंट को, जिसको हमने प्रीमाइसेस कहा था, लेकिन वो प्रीमाइसेस गलत प्रेडिक्ट हो जाती है और किसी वजह से कंडीशन चेंज हो जाती है, तो हमें जो पुराना हमारा प्लान है जो बनाया हुआ है हमने, उसको हमें न्यू प्लान से क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है. इसका मतलब जो है कि प्लान क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. प्लानिंग एक चलती रहने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. उसमें चेंजेस आते रहते हैं, न्यू प्लानिंग बनती रहती है. तो ये यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, एक प्लानिंग प्रोसेस की एक कंप्लीट डायग्राम है जो कि 9 स्टेप को दिखाती है, शोविंग प्लानिंग प्रोसेस. तो ये डायग्राम और ये सारे नोट्स में एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्टली इस डायग्राम पे जा सकते हैं. ये जिस नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया है उस नोट्स पे डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे. तो देखिए प्लानिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशन. सिचुएशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है कि उसके पास कितने रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस है, वर्कर्स है, उसका कितना बजट है, कितनी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज है, उसके बेसिस पे उसने ऑब्जेक्टिव बनाए, इस्टेब्लिश किया ऑब्जेक्टिव को. फिर उसने क्या किया, जो डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस थी, उसने प्लानिंग प्रीमाइसेस को क्या किया, डेवलप किया. मतलब उसने जब प्लानिंग कर रहा था तब उसने फ्यूचर एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया. फिर क्या किया, डिटरमाइनिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. फिर हमने क्या किया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया, डिटरमाइन किया. फिर हमने उन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन और अल्टरनेटिव्स को हमने इवेल्युएट किया, उनके स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट जाने. फिर 6th पॉइंट क्या था कि सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. फिर उस अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से हमने बेस्ट अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन था हमारे लिए, उसको सिलेक्ट किया. फिर उस को हमने प्लानिंग में डाला, प्लानिंग में अडॉप्ट किया उस कोर्स ऑफ एक्शन को, और उसको अकम्प्लिश करने के लिए बहुत सारे सब प्लान्स और डेरिवेटिव प्लान्स बनाए. फिर बहुत सारे एक्शन थी, तो उस एक्शन को हमने सीक्वेंस में रखा कि कौन से एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, कितने टाइम में परफॉर्म करनी है, कितने टाइम में उसे कंप्लीट करना है, ये सारा उसमें डिसाइड किया. और लास्ट में उसके इम्प्लीमेंट करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने क्या किया, उस प्लान को फॉलोअप किया, उसको रिवाइज किया, उसमें देखिए कुछ डिफिकल्टी आ रही है क्या, या कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं क्या. और अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे, तो हमने उसे, या कंडीशन चेंज हो गई तो हमने उसे न्यू प्लान से क्या किया, फिर से क्या किया, रिप्लेस किया. तो इन दिस वे दिस प्लानिंग प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. थैंक यू वेरी मच.